आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वापडा वर्कर्स यूनियन सखर जोन की जानिब से वापडा की मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की ममकना निजकारी और प्राइवेट सीईओज की तकरीरी मरकजी सदर अब्दुल लतीफ नाजमानी पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ सेप्को के सैकड़ों मुलाजमीन ने कामचोर हड़ताल करके सेप्को सर्कल ऑफिस से प्रेस क्लब तक इतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने इतजाजी धरना दिया। मुजाहरे व धरने की क्यादत आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वापडा वर्कर्स यूनियन सखर जोनल चेयरमैन शुजा गुमरो, जोनल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ दायो, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीएसओ जोन के चेयरमैन डाडा दीदार, नजर मेमन, जवेद अब्बासी, आबद अली, बदर अली, सामन समेत दीगर कर रहे थे। इस मौके पर मुस्कुरा रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सेप्को मेहनत का जान की परवाह किए बगैर मुल्क में बिजली की सप्लाई जारी रखे हुए है। सेप्को समेत दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों में प्राइवेट सीईओ की तकरीरी किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज हेस्को में रात के अंधेरे में प्राइवेट सीईओ को मुकर्रर करने के खिलाफ मरकजी कायद अब्दुल लतीफ नाजमानी की क्यादत में इश्तिजाज करके प्राइवेट सीईओ को दफ्तर में दाखिल होने नहीं दिया, जिस पर मरकजी कायद समेत दीगर रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं और मुतालबा करते हैं की फिलफौर दर्ज झूठा मुकदमा खत्म किया जाए। मजकूरा रहनुमाओं ने मजीद कहा की प्राइवेट सीईओ की तकरीरी कंपनी की निजकारी करने की कोशिश है और हुकूमत इस मुलाजिम दुश्मन फैसले पर किसी तौर पर अमल नहीं होने देंगे और अगर हुकूमत वापडा ने मुलाजिम दुश्मन फैसला वापस न लिया तो वापडा मुलाजमीन अपने हकूक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और काम छोड़ हड़ताल का दायरा वसी कर देंगे और इन हालात की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और मुतलका महकमों के बाला अख्तियार अफसरान पर आयद होगी। चौधरी मोहम्मद नदीम, ATN न्यूज़, सखर।